हेलो दोस्तों, इंडियन रेलवे ने 2018 की रिक्रूटमेंट आज ओपन कर दी है। इसमें टोटल वैकेंसी है, देख सकते हैं आप, 62,907 पोस्ट हैं, जिसमें कि कल से आप लोग जो है इसकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है 12 मार्च जो है लास्ट डेट है और 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने कुछ नहीं करना। ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवेज डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, इस वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन अपने सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे जाके फिल करनी है। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें है केबिन मैन, ट्रैक मैन, लीवर मैन, पॉइंट्स मैन, हेल्पर, ग्रेड डी स्टोर, की मैन, शंटर, वेल्डर, फिटर, पॉटर, हेल्पर टू, जीआरडी इंजीनियरिंग, गैंगमैन, स्विचमैन। और इसमें देखिए, आपको एकेडमिक जो आपकी क्वालिफिकेशन जो इन्होंने चाहिए वो आपको जो है 10th या आईटीआई जो है किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और अगर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो वो आपको जो है ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आईटीआई किसी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए और इक्विवेलेंट, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एनसीवीटी द्वारा ग्रांटेड होना चाहिए। एज लिमिट जो है 18 से 31 साल है। अगर आप 18 से 31 साल के बीच में, तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। पे स्केल जो है वो है 18,000 पर मंथ। उसके पास अलाउंस है जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। इसको अप्लाई करने के लिए देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 का आपको ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और SC ST के लिए 250 का। ठीक है, तो ये है, इसको आप जो है मैच कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाके आप देखिए, यहाँ पे इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट डॉट इन, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए गेटमैन, ट्रैक, मेंटर, पॉइंट्स मैन, हेल्पर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे के सारे हैं। एज 18 से 31 साल। ये सेम चीज़ें आप इसकी वेबसाइट पे जाके पूरा का पूरा देख सकते हैं। इसमें देखिए आप जो है वैकेंसी डिटेल्स जो है, सेंट्रल रेलवे में 4,625, नॉर्दर्न रेलवे में 7,832। तो एक बहुत अच्छा मौका है जो कि जॉब चाहते हैं। आप देख सकते हैं 62,000 वैकेंसीज हैं, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक है वो अब रेडी है। आपने जो है 10 फरवरी के आगे आप जो है इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने मार्च 3 तक फिल करना है अभी, और ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि आप इसको अभी अप्लाई कर दीजिए टाइम पे। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको बता दिया 500 रुपये है, और अन्य के लिए जो है 250। और ये है आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपने जो है जाके अप्लाई करना है। ये है डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए आपका डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए इस पेज पे आके आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन है, इस पे आप क्लिक कीजिए। इसमें आपको जो है अपना एक चूज़ करना पड़ेगा, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं आप चूज़ कीजिए। एक बार आप चूज़ करेंगे उसके बाद से जो है आपको फॉर्म मिल जाएगा। पहले आप ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। देखिए इसमें आप ये देखिए, आप स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन का स्टेप है, जिसमें कि आपको जो है आपको बेसिक डिटेल्स, आपको अपना नाम, ये जो पूरा फॉर्म आपने भरना है बड़े ध्यान से भरना है। इसमें आप देख सकते हैं स्टेप 1, फिर स्टेप 2 आपका जो है, पहले स्टेप में जो भी आप भरेंगे उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इस स्टेप पे आपने जो भी नेम, मोबाइल नंबर जो भी फिल किया, आपको उसका ईमेल कंफर्मेशन आता है सेकेंड में, और उसको आपने वहाँ वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद से होता है एप्लीकेशन का पार्ट 1, जिसमें कि आप लॉग इन करते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें कि आपको लॉगिन और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाती है,
अब जब फर्स्ट एप्लीकेशन जो पार्ट वन एप्लीकेशन आपको फिल करना है उसके लिए आप लॉगिन कीजिए, और उसके बाद से आपने जो अपने सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर स्टेप फोर में जाके आपने पेमेंट करनी है, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या आप पोस्ट ऑफिस में चालान जमा कराएं, और उसके बाद से जो है यहाँ पे चालान नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद से क्या करना है, जो स्टेप फाइव है उसमें आप जाके आपने डिफरेंट प्रेफरेंसेस भरना है, अपने पोस्ट प्रेफरेंसेस, क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल जो भी वहाँ पे करेंगे। और स्टेप सिक्स में आप एक फ़ोटो स्कैन कीजिए, उसको अपलोड कीजिए, और उसका एक साइज़ होता है डिटरमाइंड, वो आपने जो फोटोशॉप में कट करके उसने ही आपने अपलोड करना है। और जब ये सारे के सारे स्टेप्स हो जाते हैं तो आपने सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट अपना प्रिंट एप्लीकेशन का रख लेना है, जिससे कि क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका जो है शुरू होता है, यहाँ पे आपने इन दोनों चेक बॉक्स को क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। ये आपका फॉर्म है, इसमें आप देख सकते हैं नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, ये जो बेसिक डिटेल्स है जैसे मैंने आपको बताया स्टेप वन में, ये आपने पूरा का पूरा भरना है। जो जो रेड मार्क्स में है इनको आपने प्रॉपरली फिल करना है। जब इसको आप फिल करते हैं तो आपको एक मेल आएगी, उस मेल पे आपको ईमेल आईडी कंफर्म करना है, फिर आपको अपने जो एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, आपने पेमेंट करना है, और उसके बाद से जब सारा कुछ हो जाए तो आपने क्या करना है, इसका प्रिंट आउट लेना है। ये आपका जो है 10 मिनट का काम है, लेकिन आप जितनी जल्दी अप्लाई कर लेंगे उतना ही आपके लिए ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा आपको जो आंसर करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।